सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। दोस्तों, कोरोना वायरस जैसी महामारी की वजह से हर किसी का काम ठप पड़ गया था। ऐसे में लॉकडाउन की वजह से बॉलीवुड पर भी इसका असर दिखने लग गया था। लेकिन आपको बता दें कि साल 2021 नई उम्मीदों के साथ आया है। इस साल कई बड़े सुपरस्टार की बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। इसमें से एक फिल्म है सलमान खान। जी हां, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की राधे फिल्म को लेकर अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि फिल्म के राइट्स बहुत महंगे दाम पर बिके हैं और कोरोना काल में इसे अभी तक की बॉलीवुड में सबसे बड़ी डील माना जा रहा है। खबरों की माने तो सलमान खान की फिल्म राधे के राइट्स जी स्टूडियो ने 230 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। इसमें सैटेलाइट, डिजिटल, थिएट्रिकल और ओवरसीज राइट्स जुड़े हुए हैं। सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई साल 2020 से ही सुर्खियों में आ गई थी। फिल्म की शूटिंग लॉकडाउन के बाद रोक दी गई थी, जिससे लॉकडाउन खुलने के बाद पूरा करा गया है। बता दें कि खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स ने जी स्टूडियो के साथ डील की है, तभी ज्यादातर सलमान खान की फिल्में जी स्टूडियो पर ही रिलीज की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर इसके अलावा सलमान खान की पिछली कुछ फिल्में जैसे कि रेस 3, भारत, दबंग 3 को भी सबसे पहले जी चैनल ने ही दिखाया था। राधे फिल्म की बात करी जाए तो आपको बता दें कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म पहले साल 2020 की ईद के मौके पर ही रिलीज की जानी थी, मगर कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की वजह से इसकी शूटिंग खत्म नहीं हो सकी थी। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2020 में जाकर खत्म हो पाई है। अब फिल्म को साल 2021 की ईद के मौके पर रिलीज किए जाने की पूरी पूरी तैयारियां हैं। ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि फिल्म को पूरी तरीके से थिएटर पर ही रिलीज की जाने की तैयारी है। बहरहाल ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि सलमान भाई की ये फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई थिएटर पर रिलीज होती है कि नहीं, क्या गाइडलाइन आती है कि नहीं। खबरी चौखट से गौरव की रिपोर्ट।